सेवाभावी संस्था भारतीय जन संघटना के नागपुर सेंट्रल चैप्टर द्वारा शनिवार को कोरोना काल में जिन बच्चों पर से अपने माता पिता का साया उठ गया था, ऐसे पांचवी कक्षा से दसवीं कक्षा तक के होनहार व चुनिंदा विद्यार्थियों को आगामी अध्ययन व उनके कौशल विकास में बढ़ोतरी होने में मदद मिलने के चलते मोबाइल टैब का वितरण किया गया। महावीर नगर स्थित सैतवाल जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जन संघटना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पारख, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस व्यापार उद्योग सेल के अध्यक्ष अतुल कोटेचा, रजनीश जैन, अनिल जैन, सचिन कोठारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जब विद्यार्थियों को मोबाइल टैब प्रदान किए गए तो उनके चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी। सभी विद्यार्थी मोबाइल टैब पाकर बड़े खुश नजर आ रहे थे। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं आप लोगों के नाम वहाँ पे रजिस्टर कर दिया। के लिए जो टैब दिया गया है उसमें जो सॉफ्टवेयर दिया गया है हाल ही में हमने कोविड में बहुत सारे लोगों को खोया है, तो ऐसे कुछ परिवार हैं जिनके बच्चे हैं और माँ या बाप, माया पिताजी उस कोविड में चल बसे हैं और जिनके जिनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत नाजुक है, ऐसे परिवारों को हमने इनिशिएटिव करके मदद करने की कोशिश की है। हम इन बच्चों को जिनके माँ बाप या माँ या पिताजी कोविड में गुजर चुके हैं उनको हम टैब वितरण करने का निश्चय किया है। तकरीबन आज हम 45 बच्चों को टैब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके साथ में एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जो पाँचवीं से दसवीं तक के बच्चों को शिक्षण के लिए आत्मनिर्भर होगा। चाहे वो स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे, फिर भी वो अपने घर पे बैठकर उस टैब के माध्यम से अपने परिवार में छोटे बच्चों और उनको खुद को वो सहूलियत मुहैया की जाएगी, जिसको लेकर वो अपने आने वाले भविष्य में खुद के पैरों पे खड़े हो सके। ये एक छोटा सा प्रयास है जिसको लेकर हमने हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट और भारतीय जैन संगठना, इन दोनों के सहयोग से हम ये कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम आगे और बड़े पैमाने में ऐसे कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे आज यहाँ पर आए हैं वो पूरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमने हर एक गांव में जा के घर में हमने पर्सनली सर्वे किया था और उस सर्वे के माध्यम से जितने बच्चे हमको आइडेंटिफाई हुए उन बच्चों को हम यहाँ पर वो सहूलियत मुहैया कराने वाले हैं। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।